कांग्रेस ने अगले साल होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर 16 सदस्यों वाली घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है। यह समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू करेगी। इस कमेटी का नेतृत्व पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम करेंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को समिति का संयोजक बनाया गया है। पी चिदम्बरम और टीएस सिंहदेव के अलावा 14 और नेताओं को इस कमेटी में जगह दी गई है, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी जगह दी गई है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, जयराम रमेश, शशि थरूर, प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी के राजू, ओमकार सिंह मरकाम, रंजीता रंजन, जिग्रेश मेवानी और कुलदीप सप्पल को भी समिति में जगह दी गई है। मणिपुर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ग्यांगखम और लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई को भी समिति में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि तीन राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां तेज कर दी है। हाल ही में कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए संसाधन जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश शुरू किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1.38 लाख रुपए का चंदा देकर पार्टी के ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता आरती राय हमसे फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आरती, कांग्रेस पूरे तरीके से 2024 के लिए तैयार दिख रही है। घोषणा पत्र 16 सदस्यों का कांग्रेस अब जारी कर चुकी है, क्या कुछ पूरी जानकारी सामने निकल कर आ रही है इस पे? जी बिल्कुल फातिमा, 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर सभी पार्टियां एकदम रणनीति तैयार करने पे आगे आ रही है। बीजेपी भी जहाँ प्रॉपर मीटिंग कर रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से बता दें कि 16 सदस्य की एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व जो है पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं पी चिदम्बरम करेंगे, और उसका उसके जो संयोजक होंगे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव करेंगे। इस कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं इनको। वहीं 14 और बड़े नेताओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी होंगी। इनके अलावा बड़े नेता जो है आनंद शर्मा, जयराम रमेश, शशि थरूर, ये सभी, इमरान प्रताप गढ़ी, राजू ओमकार सिंह, ये सभी बड़े नेता इस कमेटी में शामिल होंगे। आरती, 16 नेताओं की इस कमेटी को जगह दिया गया है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि किस तरीके से ये जो 16 नेता हैं वो मिलके कांग्रेस की किस तरीके से रणनीति आगे की तय करेंगे, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। कि क्योंकि बीजेपी की भी 2 दिन से हाई लेवल मीटिंग चल रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सारी जो ये कमेटी का गठन हुआ है, वहीं बीजेपी की भी जैसे प्रदेश अध्यक्षों की 2 दिन से मीटिंग चल रही है, ये सारा कुछ जो है 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेके है, जिसमें कांग्रेस ने जो है इलेक्शन के लिए क्राउड फंडिंग की एक शुरुआत की है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी काफी पैसे इसमें निवेश किए हैं इस क्राउड फंडिंग में, और लोगों से भी आमंत्रित किया है कि इसमें क्राउड फंडिंग में निवेश करें, ताकि लोकसभा इलेक्शन में फंड की जो है कमी पूरी की जाए। बहुत शुक्रिया आरती तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस पार्टी ने 16 नेताओं की कमेटी बना दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस अब पूरे तरीके से कमर कसती नजर आ रही है।